हेलो वेलकम गाइस। तो आज की इस नए वीडियो में, क्योंकि आज का खटीमा में काफ़ी बारिश हो रही है, तो इवनिंग टाइम तक हम लोग को भूख लग जाती है, क्योंकि हम लोग 12 बजे ही अपना लंच कर रहे हैं आज का, मतलब परफेक्ट टाइम पे लंच कर रहे हैं। तो शाम के वक्त हम लोग अपने फेवरेट चक्करपुर में जो टिक्की वाले भैया हैं उनके पास गए थे, और इसमें मतलब मम्मी पापा भी बोल रहे थे यार कुछ बाहर चल के खाना चाहिए, और उनका भी मतलब मन था, इसीलिए हम लोग गए। ऐसा नहीं होता हर बार मैं अपने मन से जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो उनका भी काफ़ी सारा था कि बारिश में कुछ बाहर का खाना चाहिए, या फिर पहले पकौड़ी बनने की बात चल रही थी घर पे, तो मम्मी ने बोला यार थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो जाता है घर में, तो बाहर चलते हैं। फिर बाहर, तो फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा घूमने फिरने आए थे, फिर हम लोग ने देखा तो भैया थे, तो हम लोग ने फिर टिक्की यहाँ पर खा ली। अब जाते वक्त हम लोग को थोड़ी शाम हो गई थी, और अब तो थोड़ा मौसम सही हो गया, मतलब बारिश के बाद मौसम सही हो जाता है, और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है क्योंकि ये कोर जंगल है सुराई रेंज वाला, और ये लाइटें अभी कुछ हाल ही में ही लगी हुई हैं, क्योंकि अपने पुष्कर सिंह धामी जी का भी घर इस साइड ही है, तो उनका भी रीज़न है, बाकी और लोग भी हैं जो काफ़ी रात रात में यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, तो उनके उससे भी लगाई गई हैं। नहीं तो पहले काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता था और जानवर आने का भी डर रहता था, तो उसके से ये लाइटें अभी लगी हैं रिसेंटली। तो आज की वीडियो में फिर हम लोग कोई एक नई फ्रेंचाइजी जो खुली है हमारे आसपास उसमें जाएंगे, और उसमें जाके उसका रिव्यू दे रहे होंगे एक तरीके से। तो बस अब अपनी गाड़ी लेके हम सीधे उस तरफ को ही जा रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं फिर से वही अपने हनुमान मंदिर के सामने, और आज अपन गाड़ी से आए क्योंकि बारिश हो रही थी और हम लोग को कहीं जाने का प्लान था। तो आज अब यहाँ पे एक नया चाय सुट्टा बार करके फ्रेंचाइजी खुली है, जो अपने खटीमा में तो नहीं थी, काफ़ी और जगह थी, पर अब यहाँ पे भी खुल चुकी है। मतलब मैंने नैनीताल में इसको ट्राई किया था, और बाकी ये दिखने में अंदर से तो काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं, काफ़ी सेल्फी वॉल्स हैं, तो बढ़िया ही है। लोग चाय पीने के साथ या उसके बाद या उससे पहले या प्रिपरेशन टाइम के वक्त अपना फ़ोटो वोटो खींच सकते हैं। स्पेस भी अच्छी खासी है मतलब, और अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं वॉल पे, और ये मेन अट्रैक्शन है मतलब, इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग चाहे 10 रुपये की चाय पीने हैं तो आ जाते हैं, और फिर आपका फ़ोटो भी खींच जा रहा है एक अच्छे से वॉल पे। बाकी काफ़ी सारे कोट्स और ये लिखे हुए थे, और लाइटिंग का भी ठीक ही इस्तेमाल करा गया। केसर चाय बनाई जा रही है सर, ये हो गई हमारी केसर चाय तैयार। एक मसाला, ये मसाला चाय, कौन चाट आपका हो गया था? चाय भी हो गई सर, चाय हो गई है, लूटा जा रहा है चाय के नाम पर, साथ दिया जा रहा है। एट दी एंड हम लोग ने काफ़ी सारे शॉट खींचे, तो हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और आज का लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 15 लाइक्स के लिए, तो फटाफट जाके 15 लाइक्स को पूरा कर दें। टाटा बाय।